नमस्कार दोस्तों, पहले आज का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी 200 टू 300 पॉइंट्स मूव किया, बैंक निफ्टी मोर देन 1000 पॉइंट मूव किया। जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट आज बुलिश रहा। बट आपने जब एंड ऑफ द टाइम देखा रहेगा, जब 3 बजे से पहले मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था ऊपर जाने के लिए और वहाँ का वहाँ ही रहा, और आपने ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा रहेगा चेंज इन ओआई, तो वो क्या है, कॉल साइड में ज़्यादा होने लगा था। तो वीकली पिक्चर बोल रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और आज की पिक्चर बोल रही थी कि मार्केट नीचे जाएगा या वहीं रहेगा। तो मैं एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। जो मेरा एनालिसिस था उस पर मुझे बस यही पता चल सका कि मार्केट अभी अनडिसाइडेड जोन में है। आज मार्केट ऊपर जा पाया क्योंकि FIIs ने हैविली बाय किया था। अभी कल का प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट किधर भी जा सकता है, क्योंकि जो OI है वो डिफरेंट पिक्चर प्रेडिक्ट कर रहा है, FIIs डेटा अलग पिक्चर प्रेडिक्ट कर रहा है, और रिट्रेसमेंट भी आने वाला है। तो इसको लेते हुए अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो कल कैसे ओपनिंग होता है और कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगा। चलो, ये तो हो गई मार्केट की बात, अभी शुरू करते हैं और एक और स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, न्यूट्रल बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी मार्केट के लिए। इसका मतलब होता है रेंज बाउंड मार्केट के लिए। इसके लिए आप शॉर्ट स्ट्रेडल अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका नाम शॉर्ट स्ट्रेडल क्यों पड़ा, इसको पहले डिस्कस कर लेना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि हमको इस स्ट्रेटजी को थोड़ा याद रखना पड़ेगा ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। स्ट्रेडल का एक मतलब होता है हिंदी में टांगे फैलाकर बैठना। तो इसका जो पे ऑफ ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा ही बनता है जैसे कि आप टांगे फैलाकर बैठे हुए हो। डोंट टेक इट इन रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ अबाउट ऑप्शन स्ट्रेटजी ओनली, ठीक है। तो यही इस स्ट्रेटजी का मतलब होता है और उसका ग्राफ वैसा ही बनेगा। चलो थोड़ा और डीप में चलते हैं और कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि वो रेंज बाउंड रहेगा, ज़्यादा मूव नहीं करेगा। ज़्यादा मूव कब नहीं करेगा, जब वॉलेटिलिटी कम होगी, मतलब लैक ऑफ वॉलेटिलिटी रहेगी। और जनरली इसमें कौन ट्रेड करता है, जब भी मार्केट का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है तो जो एडवांस ट्रेडर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, सेल करके पैसा बनाते हैं। एडवांस ट्रेडर में क्यों बोल रहा हूँ, जनरली नॉर्मल ट्रेडर्स भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बट उनको इतना एक्यूरेसी नहीं होता है कि मार्केट वेदर इट इज़ गोइंग टू बी दैट मच वॉलेटाइल और नॉट। बट FIIs DIIs हैं, वो लोग क्या है, मार्केट की डायरेक्शन को तय करते हैं। तो अगर मार्केट किधर एक डायरेक्शन में जा भी रहा होता है तो उसको ठहराने का भी पावर रखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कि वो टाइम का फ़ायदा उठाते हैं, या फिर जब भी उनको मूड हुआ कि ठीक है अभी कुछ इवेंट्स नहीं होने वाला है तो हम चलो पैसा कमाते हैं बैठ के। चलो इसको थोड़ा और डीप में डिस्कस कर लेते हैं, इसके ब्रेक इवन पॉइंट्स, और इसको एक करंट मार्केट के साथ एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे आप देखेंगे इस टेबल को, हमने कहाँ कहाँ पर पोजिशन बनाई, हम इसमें एट द मनी पर पोजिशन बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कॉल का एट द मनी लेंगे और पुट का एट द मनी लेंगे, सिर्फ एक एट द मनी लेंगे। इस एग्जाम्पल में मैं कॉल का एट द मनी लूंगा, वहां पर मैं प्रीमियम को सेल कर दूंगा, कॉल साइड भी और पुट साइड भी, और उसी से मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसी को कैलकुलेट करूंगा। ऐसे ही आप देखेंगे तो न्यूट्रल और वेरी लिटिल वॉलेटिलिटी में इसको अप्लाई करते हैं। हमको इनकम अर्न करना है सेलिंग ऑप्शन को। अपर ब्रेक इवन पॉइंट, आपने जहां भी कॉल को सेल किया है वहीं पर आप पुट को भी सेल करेंगे, तो उसमें से प्लस कर दीजिए जो भी प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है, तो आपको अपर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, क्योंकि प्लस करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो ऊपर वाला ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, मतलब अपर ब्रेक इवन पॉइंट। अगर उसमें से माइनस करेंगे आप प्रीमियम को स्ट्राइक प्राइस में से, तो आपको लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, क्योंकि वो वैल्यू छोटी रहेगी। रिस्क अनलिमिटेड होता है, रिवॉर्ड्स यहाँ पर लिमिटेड होता है। चलो तो इसको एक करंट मार्केट के साथ डिस्कस कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ निफ्टी का। निफ्टी आज एंड हुआ 14,647.85 पे, और अगर इसको देखेंगे कि एट द मनी कहाँ पर आता है कॉल का, वो आता है 14,650। नाउ लेट्स मेक द पोजिशन। सो फर्स्ट वील बी सेलिंग वन कॉल एट 14,650। इफ यू सी द प्रीमियम देन वी विल बी रिसीविंग 113 पॉइंट्स प्रीमियम इन आवर अकाउंट, एंड वी विल बी सेलिंग पुट ऑल्सो। सो बाय सेलिंग द पुट ऑल्सो वी विल बी रिसीविंग सम प्रीमियम which is 87.2. So if you see the net premium which we have received in our account, which is 200.2. So that much amount we have received in our account. Now let's calculate
अपर ब्रेक इवन पॉइंट एंड लोअर ब्रेक इवन पॉइंट. एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट वी हैव टू टेक द स्ट्राइक प्राइस वेयर वी हैव मेड द पोजिशन. सो वेयर वी हैव मेड द पोजिशन, वी हैव मेड द पोजिशन एट 14,650. सो दैट आई विल बी राइटिंग हियर 14,650. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, इफ यू वांट टू कैलकुलेट अपर ब्रेक इवन पॉइंट, जस्ट एड नेट प्रीमियम रिसीव्ड. सो हाउ मच प्रीमियम वी हैव रिसीव्ड, वी हैव रिसीव्ड 200.2. सो वेयर आवर अपर ब्रेक इवन पॉइंट विल बी, इट विल बी एट 14,850.2. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, जस्ट सब्स्ट्रैक्ट नेट प्रीमियम पेड फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस वेयर यू हैव मेड द पोजिशन एंड यू विल बी एबल टू गेट लोअर ब्रेक इवन पॉइंट. सो दिस इज अबाउट अपर एंड लोअर ब्रेक इवन पॉइंट. नाउ लेट्स गो मोर डीपर इन टू इट एंड सी द पे ऑफ शेड्यूल. सो इफ यू सी द पे ऑफ शेड्यूल, हियर वी विल बी मेकिंग पोजिशन एट टू स्ट्राइक प्राइजेस. वन विल बी ऑन कॉल साइड, द अदर वन विल बी ऑन पुट साइड. And on both the position, we will be selling the premium. Okay, so we will be receiving some premium in our account. So whatever we receive in our account, we will be keeping it as a positive value. See here, we have made both the position at same strike price, which is 14,650. I have underlined this value. And now we have received the premium 113 from selling call. So we have sold the call. If it is out of the money at the expiry, then we will be receiving some premium. Okay. So when it will be out of the money, when market will go down instead of up, then it will be out of the money. So if market goes down, then we'll be receiving this much premium in our account. Now let's calculate what happens when market moves up instead of down. If market moves up, then we'll be occurring some losses. So whatever point market will move up, that much losses will be occurring. So if market moves from 14,650 to 14,700, then we'll be deducting 50 points from 113 and our premium whole value will become 63. So that's how I have calculated this first column. Now let's go for second column and calculate the put premium when market goes down and up. So if you see here, it is 87.2. So if market goes down, then what will happen? This premium will be in the money on put side. If it is in the money and we have sold the put, then we'll be in loss. And if market is going down, then option buyers will be in profit and option seller will be in loss. So how much loss will be occurring? Whatever points the underlying asset is going down, that much point losses will be occurring from this position. So what you have to do, if market goes 50 points down, then you have to deduct 50 points from 87.2. So if market moves from 14,650 to 14,600, then you have to deduct 50 from 87.2 and the value will be 37.2. So that's how you will be calculating this column. And how you will calculate if market will go up, then it is very simple. If market goes up, then wherever you have made the position on put side, which is selling position, that will be out of the money. So all the premium you will be receiving in your account. So that's how you will be calculating this value when market will move up. Okay, now let's calculate third column value. So third column value is nothing but the addition of this two column. Now let's draw it on the graph. So as usual, on x-axis I have taken strike prices and on y-axis I have taken payoff. Now let's draw it. So if you draw it, it is like this. So you can say it is straddle. Straddle means like you are spreading your legs. Now if you see, then this is the point where maximum profit will be occurring and this will be the range. If underlying asset trades in between this range, then only you will be in profit, otherwise you will be in loss. So this is about the strategy. I am discussing this strategy daily and I am also doing the daily analysis. Based on this analysis, I am taking daily trades and I am updating my trades on my Telegram channel. I am also updating where I am making the position, where I am squaring of the position, what strategy I am using, how much profit is occurring. If you are interested to see those trades and see my profit and loss, definitely you should go to my Telegram channel and link is in the description. And if you wanted to download my analysis file, you can go to my Telegram channel and from that also you can download, or else you can download from the description link. The description link updates in every 5 minutes. So if you are downloading right now and you are not getting complete data, then download it after 5 minutes so that data will be updated and you will be receiving complete data. There I have mentioned FIIDIS move, Dow Jones figure, India VIX, news and what stock moved the market today, and other details as well. It is complete analysis.
Thank you guys for watching this video. If you find this video helpful, then hit the like button and consider subscribing this channel.